राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अनुपमा की अग्नि परीक्षा है और छोटी ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही अनुपमा को बद्दुआ दे दी है और वो बद्दुआ अनुपमा को लग भी गई है। आज अनुपमा का करियर, मेहनत सब कुछ बिखरने वाला है, वो भी एक साजिश की वजह से। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, अभीरा बन गई है वकील से शादी कराने वाली मुनीम। अब वो वकालत छोड़ अरमान और रूही की शादी की तैयारियों में लगी है। तो वहीं हंगामे के बाद मनीष ने आखिरकार शादी के लिए हाँ ही कर दी है। वहीं गुम्हे किसी के प्यार में यशवंत ने सभी के मुंह पर कबूल कर लिया है कि उसने ही दुकान में आग लगवाई है और पेपर लीक का इल्ज़ाम भी उस पर लगवाया था। और अब सभी पहुंच गई है थाने। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि छोटी का जन्मदिन भी है और होटल में खाने को चखने के लिए विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। लेकिन अनुपमा के आज ये दोनों काम बिगड़ने वाले हैं क्योंकि छोटी ने तमाशा कर दिया है और श्राप भी दे दिया है। और वहीं बाकी का खेल एक कॉकरोच बिगाड़ने वाला है। होता ये है कि पहले तो छोटी सजावट और गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही अनुपमा का नाम सुनती है तो बदतमीजी पर उतर आती है। अब वो सारी सजावट को तोड़ देती है और बद्दुआ देती है कि जैसे अनुपमा ने उसका आज जन्मदिन खराब कर दिया, वैसे ही उसका दिन भी खराब हो। वहीं अनुज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति भी आग में घी डालने का काम करती है। वो कहती है कि अब अनुपमा को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब वो हम तीनों के बीच आ रही है। श्रुति तो अनुज के मुंह पर ये भी कह देती है कि भाई तुम तो जबरदस्ती अनुपमा को छोटी की माँ बनाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा पूरे जोश के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत करती है, लेकिन तोशु की वजह से तमाशा हो जाता है। लेकिन अनुपमा मैन मौके पर संभाल लेती है और तोशु को डांट भी लगाती है। लेकिन अनुपमा के मन में एक अजीब सी घबराहट है कि भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। लेकिन अब वो खुद को संभालती है और विदेशी मेहमानों को लड्डू और आम पन्ना खिलाती है। अभी तक तो विदेशी मेहमान भी अनुपमा से खुश हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली और एक कॉकरोच अनुपमा का करियर बिगाड़ने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, रूही की मुराद पूरी हो गई है। भाई अब मनीष ने भी अरमान और रूही की शादी के लिए हाँ कर दी है। अब मनीष से ही थोड़ी समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन अब तो रूही का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को सूरज की वजह से कोर्ट में नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारी पैसों की किल्लत की वजह से वेडिंग प्लानर बन गई है और अपने ही एक्स पति की शादी और सौतन की शादी यानी रूही की करा रही है। आज होता ये है कि अभीरा उस होटल में पहुंच चुकी है जहां मनीषा और स्वर्णा की शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। अब पहले सगाई में सभी बच्चे डांस करते हैं और फिर अरमान और रूही भी डांस करते हैं, लेकिन अभीरा तो रूही की जगह खुद को देखती है और दोनों के बीच खूब रोमांस होता है। खैर ये सपना है जो जल्द ही टूट गया है क्योंकि दादीसा ने अरमान और रूही की सगाई का ऐलान कर दिया है। लेकिन मनीष तो भाई दोनों की अंगूठियों को फेंक देता है और सगाई के लिए ना कर देता है। लेकिन कावेरी ने तो ठान लिया है कि भाई वो किसी भी कीमत पर सगाई करवा कर मानेगी। अब मनीष कहता है कि मुझे झुकाने के लिए रिश्तेदारों का सहारा लिया जिससे तमाशा ना हो, लेकिन मैं अपनी बच्ची की शादी अरमान से नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष अभीरा को भी संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि अभीरा पर क्या बीत रही है, लेकिन अभीरा मनीष से अपने आंसू छुपाती है। अब रूही ने भी फैसला ले लिया है कि वो बिना मनीष की हाँ के सगाई नहीं करेगी। वहीं अरमान को समझाने की कोशिश माधव करता है कि ये फैसला दादीसा की जिद है और उनकी जिद की वजह से कई रिश्ते पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अरमान तो उल्टा माधव को सुना देता है कि भाई वो उनकी तरह परिवार तोड़ू नहीं है। अब रूही को इतना परेशान देखकर मनीष भी सगाई के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों की सगाई अभीरा की आंखों के सामने होती है। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि अभीरा अरमान और रूही की वेडिंग प्लानर बन गई है और दोनों के साथ फेरे भी खुद ही कराने वाली है। वहीं गुम्हे किसी के प्यार में यशवंत ने सभी के सामने सारे पत्ते खुल कर रख दिए हैं और सभी को ग्रहण बता दिया है। हालांकि सभी के पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो थाने पहुंच गई है। हालांकि अब रीवा को डर सताने लगा है कि उसकी और ईशान की शादी होगी भी या नहीं। आज होता ये है कि सुरेखा को पता चलता है कि भाई ईशान ने तो सभी का साथ दिया है कॉलेज में, तो वो तो भड़क जाती है और वो सभी को लेकर बहुत घटिया बातें बोलती है। वो कहती है कि सभी एक नंबर की चरित्रहीन लड़की है, लेकिन चिन्मय सभी का साथ देता है और कहता है कि उसे फंसाया गया है और वो उन लोगों का पता लगा कर रहेगा जिन्होंने ये कारनामा किया है।
वहीं दूसरी तरफ सभी परेशान हैं कि भाई आखिरकार दुकान में पेट्रोल और सिगरेट कहाँ से आई। अब सभी को यशवंत पर शक होता है, तो वो उससे मिलने पहुँच जाती है और सीधा ही यशवंत से सवाल करती है। अब यशवंत सभी के सामने सारे पत्ते खोल कर रख देता है कि दुकान में आग लगाने से लेकर पेपर लीक में फंसाने तक का कारनामा उसी ने किया है, क्योंकि वो सभी से नफरत करता है और उसे ग्रहण मानता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान को सभी की चिंता हो रही है, तो अनवी ईशान को समझाती है कि वो अपने दिल की बात सुने और उसके दिल में सभी है। वो उसे एहसास दिलाती है कि सभी ही उसके लिए सही जीवन साथी है, लेकिन ईशान इनकार कर देता है और कहता है कि वो तो शादी रीवा से ही करके रहेगा। हालांकि अभी ईशान को एहसास नहीं है कि वो सभी से प्यार करने लगा है, लेकिन देर सवेर ऐसा हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।